बिहार के राजधानी सम्राट अशोक के भूमि ऐतिहासिक गांधी मैदान में भीम आर्मी के संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी का आगमन, उनके साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजीत सिंह नौटियाल जी आ रहे हैं, और 2 अप्रैल के जो आंदोलन पूरे देश में चलाया गया था, उस आंदोलन के महाजननायक हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का आगमन है। तो बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो शोषण किया जा रहा है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर, उसके लिए हम लोग जो है पूरे देश में विरोध कर रहे हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ। और इस देश में जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, उनको बता रहे हैं कि जब सत्ता में आप आए हैं तो बाबा साहब के संविधान को आप छेड़ रहे हैं, एक एक संविधान से आप कानून को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुजन समाज और मूल निवासी को पता नहीं था, लेकिन जब SC ST एक्ट को जब ख़त्म किया गया तो हमारे बहुजन समाज और इस देश के मूल निवासी समाज जगा, और जगाने का काम माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण के संगठन भीम आर्मी के द्वारा समाज को जगाने का काम किया है। तो जुल्म अत्याचार और शोषण के विरोध में हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी आ रहे हैं, और नालंदा से बहुत संख्या में बहुजन समाज के लोग ट्रेन से जाएंगे, यहाँ से हम बस के भी सुविधा किए हैं, छोटा वाहन का भी सुविधा किए हैं, काफ़ी संख्या में नालंदा के बहुजन समाज और मूल निवासी समाज गांधी मैदान में उपस्थित होंगे, और देश को एक संदेश देंगे, इस देश में अब मनुवादियों का जुल्म अत्याचार शोषण को बहुजन समाज और मूल निवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। यह देश मेरा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश पर सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का बनता है, इस देश पर पहला अधिकार दलितों का बनता है, पिछड़ों का बनता है। आप जिस तरह से 15% और 3.5% के लोग शोषण करते हैं, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में भीम आर्मी संगठन तैयार हो गई है लड़ने के लिए। जय भीम, नमो बुधाय।